असि जी कड़ना कुर्बानी तकरीबन कोई दो महीने पहले बच्चे कड़न लें जी हाँ जी बच्चा व्डा लवीद है तो लैने अस अगे कट के वजन के हिसाब से लवीद है तो फिर अगे अस कुर्बानी के हिसाब से बेचने तो माशाला हर डंगर सू 50-55 हज़ार रुपया कड़न लगी तो इनका फायदा हो जाता है माशाला दो महीने च हाँ जी इन तू पहले तैयार करने हैं लेकिन वह बच्चा अभी फिर भी कड़ना कोई 4-5 महीने का बच्चा कड़न वो लेने तकरीबन कोई 4 महीने का बच्चा कोई अस 60 का भी फर लें 70 का भी बच्चा सन लग जाता है लेकिन अभी उस कड़ना वजन के हिसाब से बच्चा कड़ना ठीक है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह चाचू जी की हाल है। दुआ जी रब शुक्र। सब तो पहला आपका नाम दसो। मेरा नाम जी हाफिज मोहम्मद शफी है। हाफिज मोहम्मद शफी साहब अपने पिंड का नाम ही दस दौ तो जिला भी पिंड बैलगंज है तो जिला पाकपतन शरीफ है जी। अच्छा जी ते अंकल जी तुसी किन्ने सालों तू ईद वास्ते बच्चे तैयार करते हो पे? पहली गल तो जी असी तैयार खुद बच्चे नहीं करने असी टाइम से बच्चे लेने तो तकरीबन कोई 27-28 साल हो गए ये काम करते हैं माशाल्लाह। तो दोस्तों दसो हाँ कि 27-28 साल का तजर्बा किंज रहा तुसी यह काम किस तरीके नाल करके दे कामयाबी हासिल करते हो? असी जी कड़ना कुर्बानी तकरीबन कोई 2 महीने पहले बच्चे कड़न लें जी हाँ जी बच्चा व्डा लवीद है तो लें असी अगे कट के वजन के हिसाब से लवीद है तो फिर अगे असी कुर्बानी के हिसाब से बेचने तो माशाला हर डंगर सू 50-55 हज़ार रुपया कड़न लगी तो इनका फायदा हो जाता है माशाला दो महीने च हाँ जी। तो कुछ दोस्त तो जंजून तुम तैयार किए ना ईद नज़दीक हाँ जी कुछ दोस्त ने उन्हें ईद से सेल करके ईद के फौरन बाद ले लेने हाँ जी कोई बच्चे अस भी कड़ने ईद तो पहले तैयार करने हैं लेकिन वह बच्चा अभी फिर भी कड़ना कोई 4-5 महीने का बच्चा कड़न वो लेने तकरीबन कोई 4 महीने का बच्चा कोई अस 60 का भी फर लें 70 का भी बच्चा सन लग जाता है लेकिन अभी उस कड़ना वजन के हिसाब से बच्चा ठीक है। तो ईद तू जो 2 महीने रही जाते हैं ईद न उदू बच्चा लैके तैयार करिए बेहतर है या कि उन्होंने कोई ईद तू 10-11 महीने पहले लैके तैयार करिए बेहतर है? जी हकीकत अस लें जी 2 महीने पहले ईद तो सू ज़्यादा फायदा करता है तो कि अभी पहले बच्चा तैयार करना है वह मेहनत बड़ी लेंदा खुराक बड़ी खाया जाता फायदा घट जाता। अच्छा ठीक है। उंज तो आम तो सर कहते हैं कि अगर ईद तू तुम 2 महीने पहले लवो तो बच्चा ऑलरेडी महंगा मिलना उन्हें कल प्रॉफिट घट देनी है तो वैसे थोड़ा तजर्बा कहता कि अगर 2 महीने पहले लीए तो प्रॉफिट ज़्यादा दे जाता है? हाँ जी सू ज़्यादा दे तो चंगे बच्चे दिन कोई निशानियाँ दसो हाँ कि जोड़े नवे दोस्त भी आ काम करना चाहते हैं उन्होंने पता चल जाए कि किड़ा बच्चा लैन तो वह फायदा देगा? चंगा बच्चे तो कड़े देसी साहीवाल जी तो साढ़े इलाके च बच्चा वैसे भी कड़ना इनकी बनावट भी ज्यादा होंगी तो खूबसूरती भी ज्यादा होंगी है तो बच्चा साढ़े को सेल भी है सही होंगे तो ग्रोथ भी सही कर जाता है खूबसूरती तो होंगी है हाँ जी वो जी बनावट है वह दसो हाँ कि मूँह मत्था वह वजूद किस किस्म का हो रंग तो जी हड्ड पैर होंगे चंगे होंगे ने लाल गोरा बच्चा होंगे जी कंबल चंकी होंगी खुला बच्चा वजूद खुले वाला हो गए गोल बच्चा अभी लवीद है तो बच्चा तैयारी सही करता है। गोल बच्चे तो की मुराद लेंगे हो? गोल बच्चा खुला मतलब पेट खुला खुले पेट वाला हो तो कि थोड़ी तबीयत सौड़ी तो होती वह ग्रोथ घट करता है खुली तबीयत बच्चा होगा तो वह ग्रोथ ज्यादा करेगा। ठीक है। तो तुम जो बच्चा लेंदे हो कि वजन या कि उम्र होंगी है? असी बच्चा कड़ा शुरू पहले बच्चा ले लें सांभण वास्ते वह बच्चा तकरीबन असं कोई 2 साल का बच्चा कड़ना वह लें 4-5 महीने का बच्चा ले लें 4-5 महीने का गोश्त होंगे कि या जिंदा गोश्त होंगे जी। अच्छा वो जरा कोई 2 साल का जिदा गोश्त 4-5 महीने वह किन्ने का मिल जाता है? वो सू मिलता है कोई 70 का मिल गया कोई 75 का मिल गया एक हिस्सा मिल गया हूँ इन्हों की तैयारी भी दसो हाँ इन्हों कि खुराक पाते हो सब्ज चारा की खिलाते हो पुष्क चारा की खिलाते हो तो जोड़ा वंडा है वह जरा तफसील न दसना दोस्तों ने भले हाथ बच्चा लिया ये पता नहीं होंगे भी उन्हें भी शह नहीं दी तो की नहीं दी हुई सब तो पहले अभी वो बच्चा लिया तो उन्होंने असं नहलदान देने उनके को अंदर के कीड़े ने वो खत्म करने हैं उस तो बाद अस फिर देखने भी ये रोटी तो लगता है ये वंडे तो लगता है कि चीज़ कोई शौक ना खाएगी वो अस करें फिर असं उनका कड़े वंडा आप तैयार कर लेने मक्की हो गई ये गंदम हो गई नाल कौड़ी खल कड़ी वह भी मिला दें शीरा कड़े वह भी असं पा दें इस प्रकार से वंडा अभी आप खुद तैयार करके असं सरों कड़ी ना वह तैयार लेने दाई दाने मसल वह भी ला इस 5-6 चीज़ा कड़ी ना वह अस मिलावट कर दें मिट्टी खाली पा दें।
अच्छा वो तैयार करते वाशिंग करना शुरू करने तकरीबन एक एक किलो तो शुरू करने नल तैयारी वास्ते तो इतने घोल भी लेंगे फिर नल दो किलो कर देना ढाई किलो भी कर देते वो असं बंदा फिर इन्हों पाने तो नाल को दो किलो तूड़ी कर दी तो इतने चार किलो वजन करना एक बजे बना तक इन्होंने पाने। अच्छा तो यह जो बंडा तुम एक दो चीज़ का जिक्र किया जी गर्मियों से गर्म है तो सर्दियों से यानी कि उस हिसाब से इस्तेमाल करना जो शीरा है गर्मियों से कहते हैं ज्यादा नहीं पाना चाहिए फिर यह जो बंडा है गर्मी तो सर्दी से कड़े तरीके कि चीज़ों का वाधा घाटा करना है सर्दी होती है ना जी कम से कम असं एक बच्चे ना कोई सत्त अठ किलो जो कि डालडा ये असं बच्चे देने तो उस टाइम असं कड़े शीरा ये असं मक्की कड़ी ये असं इस्तेमाल करने थोड़ी खल सा घट होंगी है मिट्टी खल अस इन्हों खाने शीरा कि खवाने जी एक तो कमांड वाला होंगे एक तो आने सियाह मुरबे वाला भी होंगे ये जरा सौट जो कट दो शक जो दिल जाएगा शीरा जी कह मुरबे वाले शीरा लिया हाँ गल हो गई ना सुनी मुरबे वाले शीरा मुरबे वाला शीरा बेहतर है। हाँ जी हाँ जी असं तो लिया इस्तेमाल करते पे जी जी सही चल जाए ठीक है तो गर्मी में अजक गर्मी का मौसम ही इन्हों कोई तेल शेल भी देंगे हाँ जी तेल भी देने जी असं इन्हों कम से कम कड़न पाँच पाँच छः छः किलो तेल कड़न एक बच्चे हो जाता है तो नाल कि कौड़ी खाल है वह ना चलती रहती मतलब कि एक बच्चे मतलब पाइए लैसे अद्धे किलो तक एक बच्चे ने अभी खा ठीक है माशाल्लाह तुसी सर बच्चे बड़े सोहने तैयार किए ने इन्हों की सोहनी तैयारी की जे यह जड़िया चीज़ों का तुम जिक्र किया ये अलावा भी इन्हों कोई होर चीज़ खवादे हो कि इनका वजन वधे ग्रोथ अच्छी होए। हाँ जी नाल कोई असं कह बस ये वंडा शंडा असं तो ही पाने जी तो तकरीबन एक टाइम माड़ा जो सब चारा अस दें कि शौक ना बस कड़ना खा लें थोड़ा जहा नहीं तो असं तूड़ी तो वंडा बस करना तो जी तूड़ी है तो सबज चारा है यह कि इस्तेमाल कराते हो अही वेखने कि इस टाइम खुरलियाँ च तूड़ी है ज्यादा सबज चारा तो ना होंगे बराबर ही ना हो बराबर ही सबज चारा थोड़ा जी किलो कोई पाँच छः किलो एक बच्चे अगर पाने बस वंडा चलता तो तूड़ी किन्नी तो वंडा किन्ना तकरीबन एक बच्चे वास्ते कोई चार किलो कड़ा वंडा ये साढ़े हो जाते कोई दो किलो तूड़ी ला दी इस हिसाब न ठीक है। अच्छा अंकल जी तुम दो महीने वास्ते बच्चे पालते जे जो बच्चा दो महीने पहले तुम लैके आते उदो कि मन का हों जो तुम बेचते तो वह कि मन हो जाता जो असं ये बच्चा वो तो वेखो ना जी हम अगू अस एक चीज़ होंगी तैयार है जी हाँ जी बिल्कुल तैयार होंगी लै भी कि तैयारी करा लीए ना उनका वजन उत्ता ही रह जाता है पिछू तैयार होते आने की मतलब उनकी एक उम्र पूरी होती होंगी किसी बच्चे की किसी बच्चे की उम्र बिल्कुल जवानी चाहती कि जुंदा बच्चा हो गया जुंदा अस बच्चा फड़ लें और तकरीबन साढ़े को मन डेढ़ मन वजन वो बता जाए कि पूरी उम्र का बच्चा होगा वो साढ़े को वजन नहीं बताएगा क्यों वो फुल तैयार होता बच्चा। अच्छा फुल तैयार हो जाता फुल तैयार बच्चा होता ना जी अभी उम्र चाहता कि चिग्गा बच्चा हो गया डग्गा डग्गे हो गया वो वजन करना वो पूरा रखना जो अगर वजन नहीं बढ़ाने अगर जो वजन लैके आते अगर वजन नहीं बधाएगा फिर तुम्हें क्यों प्रॉफिट वो जनाब मैं तुम दस देना वो अस लें उस कट्टन हिसाब किसी अस उस लें कट्टन से तो हम कुरबानी टाइम हूँ उन्हें कुरबानी हिसाब से बिकना होंगे और जो सा नसीबे सब मिलता है जी अल्लाह तला अच्छा तुम वे बच्चे क्यों लेंगे वे बच्चे प्रॉफिट ज्यादा अच्छा छोटे बच्चे नहीं है छोटे बच्चे की मेहनत ज्यादा होती प्रॉफिट घट होती बच्चा लेंदे हो जो ऑलरेडी जवान है जोबन ते उन्हें बधना ही हाँ जी बधना ही क्योंकि जो छोटा जानवर है उम्र घट होनी है उन्होंने वधाद वधाद टाइम लगना है टाइम जी है तुम देख लो भी साल डेढ़ साल होंगे अभी साल होंगे तो मेहनत करने हैं तो साल में खुराक कड़ी हर घट लख रुपया खुराक खा लेंगे किस तरीका से खुआ रहे जी तो लख रुपया अगर हटते तो साढ़ा वो फड़ा ही हो लगता फड़ा तो लख अस खुआ दें तो सू प्रॉफिट घट होती है ठीक है तो दो महीने अस पहले फड़ लें सू प्रॉफिट जारी कर दें जी 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 तो इन्होंने वास्ते जो कोई मर्च मसाला तैयार किया जाए या जो कोई बीमारियों के इलाज करते हो चंद को भी दसो जी ज्यादा इन्हों बीमारी होंगी है देखो ना जी साढ़े को इस तरीके असं कि चिचड़ा के टीके शिके होंगे ने पहले उन्होंने नील दान तो अगर दस भी नील दान दे दें फिर अस उन्होंने टीके लवाने तीन महीने बाद फिर टीके लवा दिए वो चिचड़ भी उनके खत्म हो जाते हैं उस टीके अंदर की बीमारी भी खत्म हो जाती तो मतलब रंगत ही होती सही हो जाती चमक डंगर चंकी जाए।
कुछ तो बंदे इंज करते कुछ है असं टीका लवाते हैं पता नहीं कि जिंद चमक ज्यादा आती है वो कोई ज्यादा ने घ्यो खुआ रिजल्ट मिल जाता है वो कि शह ऐसी जो साडे दोस्तों पता लग जाए वह भी तजर्बा चलो कर लैन बुजुर्गो कुछ दोस्त कहंदे ने कि जिहड़ा घोड़िया नूं मारी दा खड़कना ओह वी इहनां नूं मारी ते चमक हुंदी है की हाल नहीं जी ओह तां वेखो ना जी ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨੂਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਵੇ ਜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚਮਕਾਉਣ ਇੱਕ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੂਨ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਖੜਖਣੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਹੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੁੰਨ ਚਮਕ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 ਚਾਚੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈ ਹੋਵੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਜੈਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਆਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣ ਵੀ ਆ ਜਾਨਵਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫੌਰੀ ਫੌਰੀ ਜੀ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਜੇ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਡੰਗਾ ਅਸ਼ੇ ਵੀ ਆਦਰ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲ ਲਵਣ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਹਾਂਜੀ